बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की, पार्वती लक्ष्मण की, सीता मैया की, महाबली हनुमान की। जो दशरथ महाराज जी ने स्वयंवर रचा था उसमें देश विदेश से नरेश आए और कोई भी शिव धनुष को उठाने में या उसको प्रत्यंचा चढ़ाने में समर्थ नहीं हो पाता है तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं। आज भक्तजनों इससे आगे की लीला आप देखोगे, जिस लीला को मैं संक्षिप्त में आपको थोड़ा सा बता देता हूं तो उसके आगे क्या होता है कि राम भगवान को आज्ञा मिलती है अपने वशिष्ठ गुरु वशिष्ठ से, और गुरु वशिष्ठ जब राम भगवान को आज्ञा देते हैं उसके बाद वो शिव धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाते हुए और शिव धनुष टूट जाता है। इस टूट जाने के ऊपर भी एक कहानी है दोस्तों, मैं बहुत ही संक्षिप्त में बता देता हूँ कि ये शिव धनुष आने वाले भविष्य में, क्योंकि ये सतयुग का धनुष था और त्रेता युग में आया जो कि परशुराम जी ने फिर जनक महाराज को दिया था, तो एक इससे डर था भगवान को कि किसी ऐसे व्यक्ति के पास न चले जाए जो कि इसका गलत प्रयोग कर सके, तो इसीलिए भगवान इसको खंडित करते हैं। और यह शिव धनुष जब परशुराम जी को मिला था किसी भगवान ने उन्हें बताया था कि ये जैसे ही खंडित होगा ये वापस मेरे पास आ जाएगा, तो ये लौट कर फिर शिव भगवान के पास वापस चले जाता है। लेकिन इस पर क्रोधित होकर परशुराम जी जनक दरबार में पहुंचते हैं और क्रोध में, जैसे आप सब लोगों को पता है कि क्रोध में इंसान या एक मनुष्य सही फैसला नहीं ले पाता, वो प्रभु को देख नहीं पाते हैं और इतने क्रोधित हो जाते हैं कि उनपे अपना फरसा उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए भगवान उनके क्रोध को शांत करते हैं, अंतिम में उनको अपने भव्य रूप का दर्शन कराते हैं और परशुराम जी लौट जाते हैं। तो यही लीला आज हम यहाँ तक चलाएंगे। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की, बोलो पार्वती लक्ष्मण महाराज की। अपने घरों को जाओ, अपनी औरतों से सेकी जताओ, ऐसे कार्य के करने पड़ने से सीता कुमारी ही उचित है। सच्चे योद्धा सच्चे क्षेत्री, अरे सच्चे योद्धा
जी की माँ जो देगी मैं, राम जी की माँ जो देगी मैं, इसका डर जात अवसर खुशी का जनक के लिए यहाँ लड़ना जागे से खींचा तानी चल रही है और जिस पर राजा जनक को अभिमान है, मैं अभी इस धनुष पर चिल्ला चढ़ाता हूँ। Oh
ताजा नाबा दौला ही तो